जय श्री माता जी एवरीवन। आज हम सर्वप्रथम अपने आप को पहले बैलेंस करेंगे, फिर कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे, तीन महामंत्र लेंगे और फिर श्री माता जी की अमृत वाणी से। तो शुरू करते हैं, बंधन लेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड अपनी गोद में रखें, राइट हैंड पृथ्वी पे रखें, पूरी तरह से अपने आप को यहाँ स्थापित कर लें। कोई चल विचल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भी विचार नहीं, कोई भी विचार नहीं। प्रार्थना करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो ऐसी इच्छाएं हैं माँ जो सिर्फ जिसको आप पूरा करने योग्य नहीं समझते हैं, उन सभी इच्छाओं को श्री माता जी मेरी निकाल कर आप अपने पृथ्वी तत्व में माँ, मेरी सभी अपूर्ण इच्छाओं को आप अपने पृथ्वी तत्व में लीन कर लीजिए। श्री माता जी मेरी एड़ा नाड़ी जिसकी नकारात्मकता का अटैक है, श्री माता जी कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु, कोई भी बाधा, नेगेटिविटी जिनको मैं नहीं जानती माँ, मैं नहीं पहचानती, ऐसी सभी बाधाओं को, ऐसी सभी पूर्व बाधाओं को अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ, विलीन कर लीजिए माँ, विलीन कर लीजिए श्री माता जी। ये जानने के लिए कि क्या ये हमारी क्लियरेंस शुरू हो गई है, हम अपना चित लेफ्ट हैंड पे हमेशा रखेंगे। जिस भी साइड की क्लियरेंस हमें करनी है, पूरा लेफ्ट हैंड पे चित रखिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्लियरेंस शुरू हो गई, क्या हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करनी परमेश्वर ने। हथेली पे चित दीजिए, अंगूठे पे दीजिए, एक एक करके चारों उंगलियों पर चित देंगे। हथेली, अंगूठा, आगे वाली उंगली और छोटी उंगली पे चित्त को स्थिर करें। अब राइट हैंड खोलेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश में प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, सभी इच्छाएं जिनको आप पूरा नहीं करना चाहती हैं, उसके प्रति हमारे कर्मों को आप अपने आकाश तत्व में और मेरी अति कर्मशीलता को आप पूर्णतया अपने ईथर एलिमेंट में समा लीजिए माँ, विलीन कर लीजिए। श्री माता जी मेरे कर्मों का अनुपात, मेरी इच्छाएं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं उसी के अनुसार हो, ताकि मेरी पिंगला नाड़ी गर्मी से आहत ना हो सके, ऐसी कृपा आप हम पे कर दीजिए श्री माता जी। और सुंदर निर्विचारित आ रहे हैं, हम अपने राइट हैंड पे चित्र देखे एक बार फिर से अनुभव लेंगे कि हमारी पिंगला नाड़ी की क्लियरेंस शुरू हो गई है। सबसे पहले हथेली पे चित्र दीजिए,
जैसा कल भी किया था, तीन गोले, साढ़े तीन गोले बना लीजिए हथेली के बीचों बीच, एक दो तीन और साढ़े तीन, चित्त के माध्यम से अंगूठे पे चित्त दीजिए, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, उसके आगे वाली उंगली और छोटी उंगली पे चित्त को स्थिर करें। लेफ्ट हैंड में काफी चिनचिनाहट हो रही है, क्लियरेंस हो रही है, ये इसका प्रतीक है। श्री माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे भविष्य में मुझ पे जो भी नकारात्मकताओं के आक्रमण ज्ञात या अज्ञात सोर्सेस से हो सकते हैं माँ, उन सबको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी गोद में रखेंगे हाथ को, एकदम चित्त को स्थिर करिए। बहुत ही सुंदर समय में श्री माता जी हमसे ध्यान ले रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान करवा रहे हैं। मत गवाइए इस क्षण को छोटे मोटे विचारों के चलते, चित्त को एकदम स्थिर कीजिए, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, डोंट थिंक। मां से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे मेरे मध्य में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी मुझे मेरी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए, मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। अनुभव लेंगे हमारी कुंडलिनी जागरण का, सब चक्रों पे चित्त रखते हुए। सबसे पहले अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे रखिए, स्वादिष्ठान चक्र पे रखिए, नाभि चक्र पे रखिए, मध्य हृदय पे रखिए चित्त को, विशुद्धि पे रखिए, मध्य आज्ञा और सहस्रार। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लीजिए, मुझे लग रहा है थोड़ा कहीं दिक्कत है किसी किसी के साथ, थोड़ा प्रेस करिए सर झुका के राइट हैंड की हथेली से, दबाइए और घुमाइए। श्री माता जी कृपा करके मेरी ब्रह्म रंध्रों को पूर्णतया खोल दीजिए माँ। माँ मुझे मेरे आत्म साक्षात्कार में सुदृढ़ बना दीजिए माँ। मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए माँ। नीचे हाथ रखेंगे, चित्त सहस्रार पे है, एक बार आप चाहें तो कुंडली चढ़ा के बंधन लें ताकि जिसका नहीं चित्त सहस्रार पे आ पाया वो आ सके।
अपने विचारता आ गई है। ये सही समय है माँ की वाणी सुनने। Trust. You have not come here to have only a happy married life, but happy married life is just one step. But if that step is taking you away from the real path of yourself in a different way, like it's a mother to mother, father is a father, sister is a sister, brother is a sister, brother is a brother. The brother-sister relations cannot become husband-wife relations. How can it be? Kundalini itself is the Mahakali Shakti. Because she is the primordial. Mahakali Shakti is the primordial Shakti within us. And it's the Kundalini is the Mahakali Shakti. And she remains as a Vati. She is purity. She has the power to purify. All that happens when you get your realization. It starts manifesting her all beautiful aspects of you. Now the one who is sitting there is Sri Ganesha. Now people don't understand what is innocence. Sri Ganesha is sitting there and he is the one who decides over Muladhara, even over its mother, because it's like a god. And he is the one who tells whether she can ascend or not. Unless and until he gives permission, she cannot ascend. So Sri Ganesha gives the ascending sort of a okay, all right, then right. And he stops all his work. You have seen me sitting for hours together. I don't have to go even to the bathroom or anywhere because Ganesha stops for his work. He's only worried now about the ascent. And on every chakra, he checks your purity. And then accordingly, the Kundalini tries to purify. But when it reaches the mental level has all these funny ideas of romance, this nonsense, that nonsense. I was surprised the other day, there was a girl who was having a trouble with her husband of expressing her love to her husband after marriage. Before marriage, she was alright. So I told her, read some book where they have described the romance between husband and wife. So she said, there is no book I have. Then I asked her professor to find out. She said, there's no such book. In Sahaj Yoga, the romance starts after the marriage. But also with maryadas, not at the cost of Sahaj Yoga, not at the cost of your ascent. So all these ideas people have in the West, I know you are so much conditioned about it. So you say, now let us see, this is Samayachara, after all, we have to give all the benefit. Now we select people, we do everything. It's all the work of Mahakali. Because we have to work on the vibrations. It's all the work of Mahakali. And after marriages also, some marriages do fail. The reason being, they do not know what is the purpose of their marriages. So the first and foremost thing of Mahakali is that she is purity. Absolute purity. And that purity, if we cannot imbibe within us, we cannot be surgeons. Now this mind
so much conditioned, I know. Our children will be much better off than ourselves. They won't have these conditionings as we have had. And so many problems can be just avoided if you really become pure people. I see in the other society in which I move, nobody seems to be safe. Somebody's wife is running with somebody's husband, somebody's daughter is running with somebody's father, somebody's running, a boy running with somebody's mother. So you find somebody else standing there as your wife. Or sometimes it's so funny that you can't believe it, how can it be? And everybody is in danger. The man goes to the house, finds his wife run away with another man. Or a man goes for his work, he's run away with another woman. So she's the one, she gives this sthiti, a state. Sthiti means consolidation. Without your proper consolidation into your purity, not into your romantic life, you cannot rise. Like when we make the aeroplane, first we have to consolidate it, fix it up properly, work it out, so that when it goes in the air, all its parts do not fly away with the passengers. In the same way, when we are ascending, Sri Ganesha does that. He just stops the action of excretion completely. And the ascent starts. They are doing their work all right, despite the fact they have been insulted, they have been neglected, we have misbehaved, whatever we might have done. They are doing their jobs all right. You can see so many people getting realized. But what are we doing about it? We cannot be even collective. We cannot attend collective things. And look at them, how generous they are. They are extremely collective. They are extremely collective. To such an extent, somebody supposing worships Sri Krishna, his heart will catch. Why? Because you must also worship Shiva. They are so collective and so much connected. So they are all collective in the same way. You are also devas. You also should be collective. As soon as you become collective, all these nonsensical things will drop out. All these ideas will drop out. You do not become collective because you have not dropped out all these things, or else you are afraid of dropping them. So let us know what is our purpose. Our purpose is to ascend. And what is the Mahakali power is doing for us? She is giving you your ascent through Kundalini. She is purifying. She is giving you all the powers. She is protecting you all the time. She is giving you joy. What are we doing for her? Her only desire is that my children should be saintly. That they should have beautiful qualities of a saint. That she doesn't fall at every woman, fall at every man. It's not so cheap. And mentally especially, I mean, if the sastrana is spoiled, how can such a man work? The whole play is of the sastrana. And that purity should manifest. Through you, we are going to change the world. Through no one else, the sajogis who are going to change the world. We have heard the Maa's words. हमारे पास
बस बहुत ही थोड़ा समय है, 5 मिनट 6 मिनट है करीब, तो कौन जल्दी से समराइज कर देगा? शिखा आप बताएं प्लीज। मुझे जो लगता है कि शिवाता जी ने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि हमको प्योर रिलेशनशिप रखना होगा, रखना चाहिए, अगर हमको मतलब इस वर्ल्ड में चेंज लाना है, खुद में चेंज लाना है। और जैसे हमारे अंदर सब देवी देवता कलेक्टिवली वर्क करते हैं, हमको भी कलेक्टिवली वर्क करना है और अपने गणेश तत्व को जागृत करना है। अगर हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति उठ नहीं सकती है, और जो माँ काली है हमारे लिए बहुत काम करती है, हमारे को प्रेम देती है, हमको हमारा लाइक महाकाली शक्ति से ही हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो सब कुछ प्योरिटी से, सही रिलेशनशिप से होगा। और हमको वी कैन नॉट फॉल फॉर एनीवन, मतलब सहयोगी होने, और सहयोगी ही अगर अच्छा वो नहीं करेंगे अपना, तो फिर इस वर्ल्ड में चेंज भी नहीं आ सकता है। ओके, आपने क्या समझा ओनम? मैम शुमाता जी ने महाकाली शक्ति के बारे में वर्णन किया कि वो एक बहुत ही प्योर डिजायर है जो कि कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्थित है और जो श्री गणेश जी की आज्ञा से जागृत होती है, वो हमें एसेंट देती हैं, प्योरिटी देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और हमें जॉय देती हैं। 5 शक्तियां बताई माने महाकाली शक्ति की, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कलेक्टिव जब होते हैं तो हमें बिल्कुल कलेक्टिविटी में ही रहना है, कलेक्टिविटी में रहना है। क्या एग्जांपल दिया था माने? अगर आप कृष्ण जी को याद कर रहे हैं और आप राम जी को भूल जाएंगे तो कृष्ण जी भी जागृत नहीं होंगे। रामचंद्र जी मेरे राइट हार्ट में है, तो जब मेरा राइट हार्ट और मेरा हार्ट ही नहीं खुला है तो मैं विशुद्धि तक नहीं आ पाऊंगी। तो सब देवी देवता कलेक्टिव है, तो माने का आप लोग भी वही हो, यू आर देवास है ना, तो आप लोगों को भी इकट्ठे रहना है, कलेक्टिव होना है। जो हम कर रहे हैं समय, इसको कलेक्टिविटी कहते हैं, हम साथ बैठ के जो इस समय ध्यान कर रहे हैं। और सबसे पहले माँ ने क्रिएशन में भी बताया है, और हम जानते हैं सृजन में हमारे पुराणों के अनुसार भी मतलब वो सिद्ध होता है, और हमारी कुंडलिनी शक्ति और चक्रों के द्वारा भी सिद्ध होता है कि जब शिव से शक्ति अलग हुई तो शक्ति पहले अलग नहीं होना चाह रही थी, वो शिव के चारों तरफ घूमने लगी, तो वो वलय का फॉर्म बन गया जिसको हम आदि शक्ति का निराकार स्वरूप कहते हैं। आदि शक्ति कौन है? शिव माता जी हैं। तो जब शिव माता जी ने ये पहचान लिया कि अब शिव में वो वापस नहीं समा सकती, और शिव की इच्छा थी कि सृष्टि का सृजन हो, तो आदि शक्ति ने 3 शक्तियों का निर्माण किया था, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, जो हमारे अंदर भी स्थित है। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, ये हम महसूस कर चुके हैं कई बार। तो महाकाली शक्ति का सबसे पहले निर्माण किया माने, और महाकाली ने सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की। जो घट स्थापना होती है कि इच्छा, घट स्थापना का मतलब है जो नवरात्र का पहला दिन होता है, कि इच्छा की कि सृष्टि का सृजन हो, और घट क्या है? जो नारियल है वो श्री गणेश। तो श्री गणेश जी क्योंकि प्योर है, और प्योरिटी के बिना सृजन संभव नहीं है। आप कुछ भी चीज गंदे से करिए वो अच्छी नहीं बनेगी। पेड़ पौधों में गंदा पानी डाल दीजिए, गंदी चीजें डाल दीजिए, वो विकसित ही नहीं होगी। असेंट पॉसिबल नहीं है जब तक प्योरिटी ना हो, और हमारी कुंडलिनी शक्ति का असेंट तो बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि श्री गणेश जी हर चक्र पे बैठे हुए हैं, तो जहां भी उनको इम्प्योर लगेगा वो चक्र ऊपर जाएगा ही नहीं, कुंडली शक्ति ऊपर जाएगी नहीं, कुंडली शक्ति के गार्ड की तरह नीचे बैठे हुए हैं। कि जब तक ये इंसान इस लाइक नहीं है, फिर भी माने कहा कि बेस्ट में कोई किसी के पति के साथ भाग गई, कोई किसी के बेटे के साथ भाग गई, कोई बेटा किसी की माँ के साथ भाग गया, और उसके बावजूद भी उनकी कुंडलिनी उन सबको क्षमा करते हुए
कुंडलिनी शक्ति उनकी जागृत की गई, उनको रियलाइजेशन दिया गया और अब वो उनके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन महाकाली की शक्तियां हमारे अंदर लाती हैं प्योरिटी का, एंड व्हेन दिस वर्क्स वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें प्यार देती है, जॉय देती हैं। हमारे इमोशंस, हमें पता है महाकाली हमारे लेफ्ट भाग में है, हमारी सभी इच्छाएं, रोमांस, ये सब कुछ हमारा लेफ्ट से आता है ना। लेकिन वो कैसा है, माने का रोमांस है योगा में कैसा है, नॉट बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज है ना। तो मैरिज को माने बहुत, शादी को, विवाह को बहुत मान्यता दी है, लेकिन उसका पर्पस होना चाहिए। यानी मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये क्या पर्पस है आपकी शादी का, कौन सा आपको ऐसा ईश्वर का कार्य करना है जिसके लिए आपकी विवाह हुआ। तो माँ जब भी बात करती है तो इमिडिएटली हमको अपनी कुंडलिनी और चक्रों के ऊपर जाना चाहिए। जो भी माँ कह रही है इमिडिएटली आप सोचे कि ये माँ ने क्या कहा। तो अगर कोई भी चक्र अशुद्ध है या कुछ है तो मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर राइज नहीं कर सकती है, एंड इट हैज टू राइज, इट हैज टू असेंड, है ना। सो वो श्री गणेश जी के विषय में श्री माता जी ने बताया कि प्योरिटी एट एवरी चक्रा इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो बाकी हमने वाणी सुनी, मेरे को नहीं पता कितनी अभी आत्मसाध हो पाई है, लेकिन होगी धीरे धीरे। और माने अगर वाणी लगाई है और ये सब रैंडम सिलेक्शन होते हैं तो कुछ प्रयोजन होगा। और हमको ये भी जानना है, तो माँ के लेक्चर के शुरू का पार्ट था तो उसमें श्री माता जी ने ये भी बताया था कि हम मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति ऐसे नहीं करते रहना है, क्योंकि विवाह का भी एक उद्देश्य है। विवाह का ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोग मतलब मिले और आप एक आनंद का जीवन जी रहे। विवाह का उद्देश्य है सब ईश्वरीय कार्य के लिए हमको कार्य करना होता है। इसीलिए जो सहज योग में मैरिजेस होती है उनका मुख्य वो होता है कि एक तो रियलाइज सोल आती है पृथ्वी पे, एक आत्मा आती है जो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, और दूसरा ये है कि उनको सहज योगा का प्रचार प्रसार करना होता है, ईश्वर से लोगों को जोड़ना होता है। तो यही एक कारण है जिसके कारण मतलब विवाह होते हैं, ताकि संपूर्णता के साथ हम ये कार्य कर सके। महिलाएं जो कार्य कर सकती है वो महिलाओं वाला कार्य करे, और पुरुष जो कार्य कर सकते हैं वो पुरुषों वाला कार्य करे। तो इस तरह से शिव और शक्ति का ही मिलन होता है एक्चुअली मैरिजेस। तो उस तरह से माँ ने पहले भी मतलब कई लेक्चर्स में भी बताया है, और इसमें भी हमने आधा लेक्चर सुना था। तो यही श्री माता जी कह रहे कि उद्देश्य को ना भूले, बहक ना जाए आनंद के इसमें, और अटैच ना हो जाए, चिपक ना जाए, क्योंकि अगर हम किसी चीज से चिपकेंगे तो वैसे ही हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो सभी जानते हैं। अगर मैं एक ही चक्र पर चिपक गई तो मैं बाकी चक्रों पर उठूंगी कैसे। चिपकना तो किसी से भी नहीं है, उठते जाना है, बिल्कुल डिटैच रहना है। ठीक है, सो आई थिंक अब हमें ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए, ध्यान का सत्र। एकदम स्थिर हो जाइए, चित्त को पूर्णतया शांत कर लीजिए। इस थोड़ी सी देर आगे कुछ एक मिनट सिर्फ आपके अपने लिए हैं, ईश्वर से योग के लिए हैं। कोई और विचार मत लाइए अभी अपने दिमाग में, स्थिर हो जाइए। Silence your mind, silence your body. कोई विचार नहीं, मत सोचिए, don't think, do not think. ध्यान के लिए तैयार करेंगे अपने शरीर को, मन को पूरी तरह से।
अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और यहाँ पे हम गहरी सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे और जगदम्बा जगदम्बा 12 बार बोलेंगे। मध्य हृदय में लाएंगे चित्त को माँ से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि परम पावनी माँ कृपा करके आप मेरे हृदय में पधारिए। श्री माता जी प्लीज कम इन टू माई हार्ट। मदर प्लीज कम इन टू माई हार्ट। मध्य हृदय में चित्त को रख के अपने अटेंशन के माध्यम से गोले बनाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। महसूस करेंगे कि क्या ये एनर्जी हमारे अंदर बह रही है। मेरे हृदय में आइए माँ, आ जाइए माँ। बहुत ही हृदय से माँ को पुकारिए, बुलाइए माँ को, आवाहन दीजिए। श्री माता जी प्लीज कम इन टू माई हार्ट। बहुत सुंदर। अब अपने चित्त को लेफ्ट हाथ में ले आएंगे और प्रार्थना करेंगे ये कुंडलिनी माँ उठिए, जागिए माँ और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। कुंडलिनी माँ उठिए, जागिए माँ और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। अब हम अपने चित्त को राइट हार्ट में लाएंगे और यहाँ पे प्रेयर करेंगे। ये परम पावनी माँ कृपा करके मेरे राइट हार्ट को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी प्लीज अवेक my right heart chakra. और फिर से अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे और यहाँ पे महसूस करेंगे कि हमारे सातों चक्रों की ऑरास हमारे मध्य हृदय में उपस्थित है। श्री माता जी के साथ सारे देवी देवता हमारे मध्य हृदय में उपस्थित है। माँ का दरबार है हमारे मध्य हृदय में। समस्त देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, जगदम्बा की शक्तियों के साथ
हम अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे, विशुद्धि चक्र में लाएंगे अपने चित्त को। आज्ञा चक्र पे लाएंगे अपने चित्त को। क्षमा कर दीजिए सबको, यदि हम नहीं क्षमा करेंगे तो ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। प्लीज फॉरगिव एवरीवन। वेरी नाइस, फॉरगिव। अब अपने चित्त को सहसा चक्र पे लाएंगे और यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे, राइट हैंड से सर झुका लेंगे और प्रे करेंगे, श्री माता जी प्लीज कम इनटू माय सहस्त्रार, माँ मेरे सहस्त्रार पे आ जाइए, माँ मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए, माँ मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए, माँ माँ मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए, माँ। हाथ नीचे, चित्त सर के ऊपर रहेगा, महसूस करिए क्या हमारी कुंडलिनी शक्ति के धागे बाहर आ रहे हैं। बच्चे अपने कुंडलिनी शक्ति के द्वारा अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे ध्यान यात्रा में चित्त के माध्यम से। सर से ऊपर अपने चित्त को ले जाएंगे 3-4 इंच ऊपर, जहां हमारा अर्धबिंदु चक्र है, और ऊपर बिंदु चक्र है, और ऊपर वलय चक्र है, और ऊपर ले जाएंगे चित्त को प्रदक्षिणा, और ऊपर आकाश तक ले जाएंगे चित्त को। ले जाइए आकाश तक, माँ का चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ है, परम चैतन्य मदद कर रहा है हमारी आकाश तक पहुंचने में। आकाश में चित्त और ऊपर अंतरिक्ष में ग्रह उपग्रह आकाश गंगाएं सब कुछ नेबुलस स्पेस में रखिए चित्त को, रखिए चित्त को स्पेस में। देखिए सूर्य चंद्र बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह शुक्र ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह सभी ग्रह यहाँ पे आकाश गंगाएं हैं। विचरण कीजिए स्पेस का, और ऊपर चित्त को ले जाएंगे स्पेस के परे ब्रह्मांड के परे पार ब्रह्म परमेश्वर के पास श्री सदाशिव। क्षमा मांगेंगे, ईश्वर यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, आपकी कृपाओं के लिए कोटि कोटि नमन, श्री आदि शक्ति के अवतरण के लिए कोटि कोटि नमः। ईश्वर हमें अपने हृदय में समा लीजिए, प्रार्थना करेंगे और महसूस करेंगे कि हम श्री सदा शिव के बाएं हृदय में समा रहे हैं एक छोटी सी लाइट के रूप में, समाते चले जा रहे हैं।
अपने अस्तित्व में आएंगे धीरे धीरे, अंतरिक्ष तक आएंगे, आकाश तक आएंगे, चारों तरफ परम चैतन्य को महसूस करेंगे। चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ है और बरस रहा है। हम अपनी क्षमता बढ़ाएंगे ब्रह्म रंध्र से इसको अंदर लेने का, माँ से विनती करेंगे इस चीज की। श्री माता जी, आपकी शक्ति परम चैतन्य हमारे ब्रह्म रंध्र द्वारा हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे सभी चक्रों पे फैला दीजिए श्री माता जी, प्रवाहित कर दीजिए श्री माता जी। माँ हमारी क्षमता को और बढ़ा दीजिए, हमारे ब्रह्म रंध्रों को पूर्णतया खोल दीजिए श्री माता जी, हमारी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए श्री माता जी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा परम चैतन्य अपने अंदर धारण कर सके। सर के ऊपर चित्त को रखेंगे, सहस्रार के ऊपर, और एकदम एकाग्रता से बैठेंगे। एक भी जने का ध्यान इधर उधर होने से कलेक्टिविटी गड़बड़ हो जाती है। पूरी एकाग्रता से बैठेंगे, सहस्रार पे चित्त को रखेंगे, एक बार फिर से ऊपर जोड़ेंगे आकाश से, ऊपर उठाइए अर्धबिंदु चक्र, बिंदु चक्र, वलय चक्र, प्रदक्षिणा, आपके सर के ऊपर ही स्थित है सर, और ऊपर आकाश तक, आकाश से संबंधित करिए अपनी कुंडलिनी को, और कुंडली के माध्यम से एक पाइप की तरह परम चैतन्य को अंदर आने दें। आकाश से परम चैतन्य एक पाइप के जरिए, कुंडली के जरिए आपके ब्रह्म रंध्रों से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज्ञा चक्र पे लाइए परम चैतन्य को, महसूस करिए। विशुद्धि चक्र पे लाइए परम चैतन्य को, मध्य हृदय में लाइए, नाभि पे लाइए, स्वाधिष्ठान पे लाइए परम चैतन्य को, और मूलाधार चक्र पे लाइए। फिर से चलेंगे मूलाधार चक्र पे, श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे, चित्त पूरा मूलाधार चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे, नाभि चक्र पे, मध्य हृदय पे, विशुद्धि पे, आज्ञा पे और सहस्रार पे। परम चैतन्य को महसूस करिए, ये आपकी क्षमता पे है कि आप कितना महसूस कर पा रहे हैं, आपकी एकाग्रता पे है। महसूस करिए परम चैतन्य को, ब्रह्म रंध्रों पे चित्त रहेगा, प्रार्थना कीजिए श्री माता जी मेरे ब्रह्म रंध्रों को पूर्ण त्याग खोल दीजिए। माँ प्लीज ओपन अप ऑल माय ब्रह्म रंध्र। ब्रह्मरंध्र से अपने
चित्त को लेफ्ट हैंड पे लाएंगे। देखिए क्या परम चैतन्य हमारी ईड़ा नाड़ी में बहने लगा। हथेली को देखिए, चित्त हथेली पे, अंगूठे पे एक एक करके चारों उंगलियों पे। बहने लगा लेफ्ट हैंड से। महाकाली की शक्तियां बहती हैं हमारे लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट हैंड से अपने चित्त को राइट हैंड पे लाइए। राइट हैंड की हथेली पे चित्त रखिए, अंगूठे पे रखिए, एक एक करके चारों उंगलियों पे चित्त को रखिए। देखिए क्या पिंगला नाड़ी पे श्री माता जी की कृपा हो गई, श्री महासरस्वती की कृपा हो रही है क्या? महसूस करिए, आपकी अपने ऊपर है कि आप कितना परम चैतन्य महसूस कर सकते हैं। महसूस करिए, हथेली पे चित रखिए, माँ से विनती करते रहिए परम चैतन्य के आगमन की, प्रवाह की। हथेली पे चित, अंगूठे पे चित, महसूस करिए क्या हो रहा है आपके अंदर। ये अंगूठे में देखिए कुछ बह रहा है क्या? आगे वाली उंगली पे ध्यान दीजिए, दिल दिमाग शरीर सब राइट हैंड पे। नेक्स्ट फिंगर, आगे वाली उंगली पे देखिए परम चैतन्य आ गया क्या? छोटे वाली उंगली पे अब राइट हैंड से सर के ऊपर ले आएंगे चित्त को, ब्रह्मरंध्रों पे ले आइए चित्त को। यहां से ही सब जगह जा रहा है परम चैतन्य। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र चित्त रखे रखे, ब्रह्मरंध्र से प्रवेश हो रहा है परम चैतन्य। ऊपर से गिर रहा है, एक वर्षा की तरह गिर रहा है। भीग रहे हैं हम उसके नीचे, भीग जाइए परम चैतन्य से, सराबोर हो जाइए। ऊपर से आने दीजिए परम चैतन्य को, अपने अंदर उसको ग्रहण कीजिए। ब्रह्मरंध्र पे चित, लेफ्ट हैंड पे चित, राइट हैंड पे चित, ब्रह्मरंध्र पे फिर से। फिर घुमाएंगे चित्त को, ब्रह्मरंध्र, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ब्रह्मरंध्र। अब इसी पावन चित्त को आप अपने घर में घुमाइए, पूरे ड्राइंग रूम में घुमाइए, बेडरूम में घुमाइए, सभी बेडरूम्स में, किचन में घुमाइए। पूरी सोसाइटी में घुमाइए अपनी चित्त को, पूरे भारतवर्ष में घुमाइए, अपने अपने देश में घुमाइए, अमेरिका पे घुमाइए, अफ्रीका पे घुमाइए, यूरोप पे घुमाइए चित्त को, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, एशिया पे घुमाइए, ऑस्ट्रेलिया पे घुमाइए चित्त को। घुमाइए परम चैतन्य, सब जगह फैला दीजिए। चढ़ा के बंधन लेंगे,
जय श्री माता जी। अब आप जिसको भी बंधन देना चाहते हैं उसको बंधन दे सकते हैं। राइट हैंड पे लिखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड की विशुद्धि से और सात बार जय श्री माता जी करके ऐसे करके बंधन देंगे और फिर वाइब्रेशन माँ के श्री चरणों में भेज के ऐसे करके झाड़ लेंगे घर में। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। आज हमारे यहाँ दी शीतला अष्टमी की पूजा थी जो रात में होती है, वो रात में भोग लगा बनाते हैं और सुबह पूजा करते हैं, तो ये शीतला जो देवी माँ है ये है मतलब इनके वाइब्रेशंस हैं? नहीं, बहुत सारे अब संतोषी माँ भी नहीं है और बहुत सारे ऐसे जो देवी देवता जो नकली बहुत सारे बना लिए गए हैं वो नहीं है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है कि सबसे पहले वाइब्रेशंस पे अपने चेक करें, तुरंत अपने हृदय में जाकर पूछे क्या ये आपका अवतार है माँ, क्या ये देवी आपका अवतार है। अगर वाइब्रेशंस आती हैं तो सत्य है, नहीं आती हैं तो गड़बड़। और अगर वाइब्रेशंस फील नहीं होती हैं तो निर्विचारिता आ जानी चाहिए। जैसे हम पूछे श्री माता जी क्या आप ही श्री कृष्ण हैं, आप ही श्री कृष्ण, थोड़ी देर में निर्विचारिता आ जाती है, तीन बार भी नहीं पूछा जाता। आप ही श्री सीता का अवतार थे, श्री सीता जी आप ही का अवतार थी, ऐसे करके पूछे, दो तीन बार पूछे, एकदम निर्विचारिता आ जाती है। अगर हाथों से हवाएं नहीं आ पाती हैं तो आप इस तरह से इस सत्य का परीक्षण कर सकते। जैसा कि मैक्सिमम घरों में होती है, यदि रात में वो बनाते हैं भोग वगैरह बनाते हैं और सुबह खाते मतलब भोग लगा के लिए पूजा करते हैं चढ़ाते हैं और सारी, ये ज्यादातर घरों में होता है ऐसे यहाँ इसलिए मैंने तो कभी शीतला माता का नाम भी नहीं सुना और हमारे यहाँ ये मनाई भी नहीं जाती। मुझे तो सिर्फ नौ दुर्गे की देवियां पता है और मुझे पता है कि हर देवी किस चक्र पे विराजित है, किस रूप में विराजित है। मैंने कहा ना कुछ भी सुनो तुरंत अपनी कुंडलिनी पे आओ, तुरंत अपने चक्रों पे आओ, इसका क्या रेलेवेंस बना, क्या ये मेरे चक्र से संबंधित है, क्या ये मेरी कुंडलिनी शक्ति से संबंधित है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ है सब मेरे अंदर है, मुझे तुरंत पता चल जाना चाहिए। अगर मेरे अंदर मंगल ग्रह है तो मैं मंगल ग्रह से प्रभावित होंगी, अगर नहीं है मेरे अंदर मंगल ग्रह तो मैं कैसे प्रभावित होंगी। तो आप कैसे कह सकते हैं ग्रहों का आपके ऊपर असर पड़ा। तो अगर कोई भी अब कोई रंग है, अगर वो रंग मेरे अंदर है तभी मैं उसकी तरफ प्रभावित होंगी। आपने देखा होगा कभी हमको कोई रंग अच्छा लगने लगता है, कोई रंग अच्छा लगने लगता है, क्यों होता है ऐसा? एक सीजन होता है, सारे ग्रीन, जहां भी दुकान पे जाओ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर पर्पल पर्पल पर्पल। तो हमारे जिस भी चक्र में कमी रहती है हमारा ध्यान उसी चक्र के रंग की तरफ जाता है ताकि वो कॉम्पनसेट हो। यही पत्थरों का हिसाब है, जो भी कलर के पत्थर होते हैं वो चक्रों के अकॉर्डिंग पंडित आपको ज्योतिषी देता है, अगर वो सही ज्योतिषी है तो वो सूर्य की किरणें लेता है और उसमें जो भी कलर बॉडी को चाहिए जिस चक्र पे कमी है उस चक्र का कलर उसमें कन्वर्ट करके पूरे रक्त में पूरे शरीर में प्रभाव कर देता है। तो कोई भी चीज आप देखिए, देवी देवता कलर कुछ भी, उसको तुरंत अपने चक्रों से और कुंडलिनी से संबंधित करें, अपनी आत्मा से प्रश्न पूछ लें क्या ये सत्य है। यदि वाइब्रेशंस, वरना वाइब्रेशंस का तो ये हिसाब किताब है, कुछ भी अगर सोच भी आई ना तो भी वाइब्रेशंस चल पड़ते, पूछना पड़ता ही नहीं। अगर ये ऐसे सोचे अरे शीतला माँ, तो तुरंत वाइब्रेशन, पूछने की जरूरत नहीं है श्री माता जी क्या शीतला देवी ऐसे, नहीं श्री माता जी आप कृष्ण का अवतार है, नहीं कृष्ण मंदिर के पास आपको पता भी नहीं होगा या राम जन्मभूमि के पास आप चले जाओ, आपके वाइब्रेशंस क्या चलेंगे, आप पहुंचिए तो कभी वहां। तो जो सत्य अवतार है, जो देवी देवताओं के अवतार है, वो तुरंत अपने आप ही श्री माता जी बता देते हैं कि यहाँ पे। क्योंकि ये पूजा हमारे यहाँ मतलब
ट्रेडिशनली चली आ रही है और अभी आपको देखिए सहज में आने के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जो आपको निरर्थक लगेंगी, बहुत निरर्थक लगेंगी, लेकिन ऐसे विद्रोह मत करिए, होने दीजिए। आप अपने आप का चित्त अपने हृदय में रखिए और श्री माता जी को ध्यान करते रहिए। आप तो बस श्री माता अंदर से, किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट थिंक श्री माता जय श्री माता जय श्री माता, आप अंदर यही सोचते। मैं बहुत सारी सहजी बहने हैं जिनके ट्रेडिशनली बहुत कुछ होता है और उनको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। उनको पता है कि ईश्वर सत्य जान लिया आपने, श्री सदाशिव के चरणों में चले गए आप, उनसे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है श्री सदाशिव से ऊपर, आप वहां चले गए। अब आप ये छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। इसको आप, मैं पूजा भी कर रही थी तो श्री माता जी को ध्यान करके ही कर रही थी कि बस जब उनको जान लिया ये आदि शक्ति है तो सारे सब इसी में है। हाँ बिल्कुल सत्य है ये, मतलब उनसे इससे परम सत्य कुछ नहीं है कि श्री माता जी शिव की शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ श्री माता जी यानी आदि शक्ति ही कुंडली जागृत कर सकती हैं, क्योंकि वो स्वयं कुंडलिनी है, हमारे अंदर स्थित है। वो सब देवी देवता उनके कहने पे तुरंत जागृत हो जाते हैं, मतलब क्योंकि उनका निर्माण भी ऋषि आदि शक्ति ने किया है ना। जय श्री माता जी, हैव अ नाइस डे। श्री माता जी हम सबके साथ रहे हर पर हर। जय श्री।